बिग बॉस 17 में फिनाले के करीब आकर चिंटू उर्फ समर्थ जुरेल को शो से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने बतौर वाइल्ड कार्ड घर में एंट्री की थी। समर्थ ने दर्शकों को काफी एंटरटेन भी किया, लेकिन अभिषेक कुमार संग हुए थप्पड़कार ने उनकी छवि बिगाड़ दी। बिग बॉस 17 के हालिया वीकेंड का वार में समर्थ को कम वोट्स मिलने के कारण वो शो से बाहर हो गए। एलिमिनेट होने के बाद उन्होंने शो को लेकर भी बात की। समर्थ ने अभिषेक कुमार संग हुए थप्पड़कांड को लेकर नाराजगी जताई। एक्टर ने कहा कि वो सलमान खान से खफा है। होस्ट का अभिषेक कुमार को शो में वापस लाने का फैसला सही नहीं था। बातचीत में एक्टर ने कहा, मैंने जो किया वो गलत है, लेकिन वो करने का कारण था। वो ईशा का एक्स था तो अलग नफरत थी। दूसरी बात, उसने बहुत गंदी बातें बोली थी ईशा के बारे में, मेरे बारे में, तो वो सब मेरे दिमाग में ही थी। लोग सालों की बात नहीं भूल पाते, मैं 2-3 हफ्ते पुरानी बात कैसे भूल जाऊं? आपको बता दें कि अभिषेक कुमार ने बहसबाजी के बीच समर्थ जुरेल को थप्पड़ जड़ दिया था। बिग बॉस का अहम नियम तोड़ने की वजह से उन्हें शो से बाहर भी निकाल दिया था। हालांकि बाद में सलमान खान ने अभिषेक को एक और मौका दे दिया। इसके साथ ही समर्थ विलन बन गए। अब उन्होंने कहा कि वो सलमान खान के इस फैसले से खफा हैं। समर्थ ने कहा, घर वाले नहीं चाहते थे कि अभिषेक दोबारा एंट्री करे, लेकिन सलमान सर ने जब पूरा सीन एक बार फिर बताया तो कुछ घर वालों की राय बदल गई। मेरा सवाल ये है कि जब सलमान खान ने वोट देने के लिए कहा तो कितने घर वाले चाहते थे कि वो वापस आए? मैं और ईशा उसे वापस नहीं चाहते थे, इसलिए हमने उसके खिलाफ वोट दिया, लेकिन सलमान सर ने ये कहते हुए वोट खारिज कर दिया कि आपका पर्सनल है। फिर आपने हमारी राय क्यों पूछी? मैं अभिषेक को वापस लाने के लिए नाराज हूँ, लेकिन ठीक है, मैं सलमान सर के फैसले का सम्मान करता हूँ।